वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं BCOM 6 M का एक कॉमन पेपर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का बैक लगता है, और 6 M में बैक लगने का मतलब पूरा पूरी 1 साल बर्बाद है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ाई करना है। और इसमें कॉमन क्वेश्चन हम थोड़ा सा ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट है। तो स्टार्ट करता है यूनिट 1 से, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एन ओवरव्यू। ये पहला चैप्टर हुआ, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला हो गया डिस्कस द मेजर रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ड्यूरिंग पोस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पीरियड 14, 16, 18 में आया हुआ, 20 में हाईएस्ट चांसेस है इसका। व्हाट डू यू मीन बाई फाइनेंशियल सिस्टम, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब जो प्रेजेंट में हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो उसका स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन करना है। 15, 17, 18, 19 में ऑलरेडी आ चुका है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, लिस्ट आउट द वीकनेस और ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हम लोग का जो देश का फाइनेंशियल सिस्टम उसमें वीकनेस क्या उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हो गया हम लोग का राइट ब्रीफ ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये हो गया इट वॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा चांसेस है वो सब ऊपर किया हुआ है। ठीक है, यूनिट 2 में बढ़ते हैं। यूनिट 2 बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट 2 का हम दो पार्ट किए हैं, एक तो ये हम लोग कमर्शियल बैंक, ठीक है, और दूसरा हम लोग का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल बैंक। अब पार्ट ए का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे यूनिट 2 से, ये हम लोग का बैंकिंग जो सब्जेक्ट है इसे सेकेंड ईयर, वहाँ पे भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट आर कमर्शियल बैंक, डिस्कस ब्रीफली द रोल एंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। किसी भी तरह का बैंक का रोल फंक्शन सेम ही होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। सोर्स कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक, मेंशन इट्स लिमिटेशन। उसके बाद डिस्कस अबाउट द रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय इंडियन रेगुलेटर्स टू इंप्रूव बैंकिंग सर्विसेज इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया व्हाट आर वेरियस इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स इन करंट बैंकिंग सिस्टम। जो अलग अलग इनोवेटिव सिस्टम है, नए नए सर्विसेज जो बैंक आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। व्हाट चैलेंजेस डू दे फेस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया RRB से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक्स आर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कंसिडरिंग दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ रूरल बैंक्स इन इंडिया। बैंक का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेनली हम लोग यहाँ पे लिखना है, उसका शॉर्ट नोट रूरल बैंकिंग सिस्टम NABARD। ठीक है, इसके बाद ICICI बैंक, नेक्स्ट है ई बैंकिंग, लीड बैंकिंग, इसके बाद हम लोग का लिक्विडिटी मैनेजमेंट। पार्ट बी हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड ऑफ सेंट्रल बैंकिंग इन इंडिया, सेंट्रल बैंकिंग रिजर्व बैंक का की जरूरत क्या है। दूसरा, डिस्कस द रोल या फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए रेगुलेटर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जितना भी क्वेश्चन है उन सबका आंसर आप लोग हम लोग का नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही जितना भी क्वेश्चन है उसमें से कुछ नोट्स फ्री में हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन में दिया हुआ है, और कंप्लीट नोट्स प्रीमियम मेंबर के लिए अवेलेबल है। और अब तक आप लोगों ने हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन। उसके बाद है व्हाट आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। और लास्ट हो गया क्रेडिट कार्ड का शॉर्ट नोट। अब बढ़ते हैं यूनिट 3, बहुत ही जरूरी चैप्टर, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछता है एक या दो। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। व्हाट इज मनी मार्केट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन मनी मार्केट इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। व्हाट आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मनी मार्केट। अगला क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ये सब सेकेंड ईयर में भी मिला होगा आप लोगों को, BS में भी और बैंकिंग में भी। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इशू मार्केट, मतलब प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, दोनों का मीनिंग बताना, डिफरेंस बताना। एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद है व्हाट आर मर्चेंट बैंकर,
व्हाट आर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई मर्चेंट बैंकर्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट। ये सब जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है 14, 15, 16, 17 में आया हुआ है, और मर्चेंट बैंक ऑफ 15, 18, 19 में आया हुआ है, ठीक है। उसका राइट है ब्रीफ नोट रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन कैपिटल मार्केट, 19 में आ चुका है, और यहाँ येलो मार्क करने का मतलब इसको हम नोट्स से एक्सक्लूड कर दिए हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ येलो मार्क करके रखे हैं। उसका कुछ शॉर्ट नोट है, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है, अंडरराइटर्स, मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट क्या होता है। अब यूनिट 4 में बढ़ते हैं, आसान और छोटा सा चैप्टर, इसमें दो पार्ट है, एक तो हो गया सेबी और दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड। पहला क्वेश्चन यूनिट 4 से, व्हाट इज सेबी, सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाई सेबी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। तो सेबी से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आराम से मिलेगा, पहला मिल जाए दूसरा मिल जाए, और में मिलता है म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर द इसेंशियल, व्हाट आर इट्स इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, और दूसरा डिस्कस द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एलोंग विथ इट्स प्रॉब्लम, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन का रोल और प्रॉब्लम बताना, ठीक है। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट है, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, उसके बाद एएमसी, एएमसी का मतलब एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। ये तो हम लोग का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आने वाले एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हम एक लाइक जरूर दे देना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।